नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेज परांठा की रेसिपी। वेज परांठा बनाने के लिए क्या क्या आइटम की जरूरत पड़ती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेज परांठा बनाना बहुत ही आसान है, आप भी अपने घर पे बना सकते हो। और वो आप देखो मैं कैसे बनाती हूँ। वेज परांठा बनाने के लिए मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, उसको कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने पत्ता गोभी लिया, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक करके चॉप रख लिया है। ये गाजर ली थी मैंने, एक उसको भी कद्दूकस कर रख लिया है। ये थोड़ी सी फूल गोभी ली थी, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। ये रेड कलर की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये दो हरी मिर्च थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हमने धनिया पत्ता लिया है, उसको भी बारीक करके रख लिया है। एक चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच नमक लिया है, अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। 1/4 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। पराठा बनाने के लिए हमने ये किया, बड़े से बॉल में आटा लिया है। हमने ये मूंगफली का तेल लिया है, आप बटर घी कुछ में भी बना सकते हो। अब हमारा सारा सामान तैयार हो गया है, अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस पे। मसाला बनाने के लिए हमने पहले से गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिया था, उसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, अब इसमें एक एक करके सारी सी सब्जियां ऐड कर देंगे। ये हमने डाली है फूल गोभी, ये हमने गाजर डाल दिए, ये हमने हरी शिमला मिर्च डाल दिए, ये रेड शिमला मिर्च डाल दिए। धीरे धीरे करके सारी सब्जियां ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड कर दी थी हमने, ये पत्ता गोभी। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। आप भी बना के देखना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमने सारी सब्जियां मिक्स कर दी हैं, अब इसमें ये हम लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर देते हैं और गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं, आप नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत अलग पराठा है ये, बहुत अच्छा लगता है, आप बना के देखना एक बार। इसमें आप चाहें तो इसमें और सब्जियां बढ़ा सकते हैं, जो आपके घर पे अवेलेबल हो वो सब्जी आप इसमें और ऐड कर सकते हो। पानी से भून लेना है इसे, जो सब्जियां कद्दूकस की गई है तो उसमें पानी हो जाता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारा मसाला, बस अब ये भुनने को आ गया। देखो आप देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप एक बार बना के देखना, बस मेरे को बनाना बताना कैसी लगी आपको। मसाला हमारा बन गया है, अब इसे ये प्लेट में निकाल दीजिए ठंडा होने के लिए। लगाएंगे हम अपना आटा,
रंगा तब भी हो जाएगा। बीज पराठे का मसाला तैयार हो गया है। हम इसमें ऊपर से धनिया डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। इसे एक साइड रख के आटा लगा लेते हैं। ठंडा हो जाएगा जब तक हम देखा आटा लगा। ये हमने एक बर्तन ले लिया आटा लगाने के लिए, हम ये आटा डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं। नमक मिक्स कर लिया, इसमें बीच में इसे जगह करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को लगा लेते हैं। आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। आज तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं जिस तरह से बना रही हूँ उस तरह से बना के आपने नहीं खाया होगा। देखना आप मेरी तरह से बना के देखना एक बार कैसा लगता है आपको। हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हम एक चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। इसे लगा देते हैं थोड़ा इसके ऊपर से, इसे ऐसे थोड़ा ऊपर देते हैं। सॉफ्ट आटा लगाए, अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए, अब हम अपने आटे को देखते हैं कैसा हुआ। हमारा आटा अच्छी तरह कुछ सेट हो गया है। अब हम पराठे बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने इसमें से एक पेड़ा तोड़ लेना है। आप अपने साइज का तोड़ सकते हैं, बड़ा छोटा। तो हमने अपना पेड़ा बना लिया है। अब इसे ऐसे आटे में लगा के आटा इसके ऊपर और इसे हम बेलते हैं। इसे थोड़ा बड़ा बेलना है कि आज हम नए तरीके से पराठा बनाएंगे। बड़ा ही बेलेंगे आप इसे। हमारा पराठा बेल गया है। इसे यहाँ से बीच में से यहाँ से इसे ऐसे कट कर देना है। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी लाइन लगा देनी, हल्की सी वाटर कटिंग करना। और अब इसमें ये मसाला जो हमने बनाया था इसे रख लेते हैं। यहाँ से जो हमने कट लगाया है इसे ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं। इसे आटा लगा लेना है क्योंकि ये चिपक ना जाए। इसे ऐसे इधर साइड फोल्ड करते हैं। जो ये लिए इसे ऐसे इसे यहाँ से फोल्ड कर लिया, ऐसे चारों तरफ से इसे दबा देते हैं, मसाला बाहर ना निकले ऐसे। और इसे थोड़ा सा तब प्रेस कर लेते हैं सहायता से। थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे बेल देते हैं, बहुत हल्के हाथ से बेलें। ज़्यादा दबा के ना बेलें इसे, ऐसे ऐसे हाथ से बेल लेंगे। हमारा पराठा बेल गया है। गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया था, गैस पे हम ये पराठा डाल देंगे। जब तक हमारा ये पराठा एक तरफ से सिकता है तब तक हम दूसरा चूल्हा बना लेते हैं।
से पलट देते हैं। अब इधर साइड इसमें हमने तेल लिया था मूंगफली का, उसे लगा देते हैं। आप घी, बटर, कोई और भी ऑयल ले सकते हैं। अब इधर साइड से भी हम इस पे ऑयल लगा लेते हैं। हमारा ये पराठा सिक रहा है, प्रेस कर करके सीखना जरा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है ना। हमारा ये पराठा सिक गया है, अब हम इसे प्लेट पे निकाल दें। ये बना लिया था, बेल के तैयार कर लिया था, उसे हम यहाँ से डाल देते हैं। सहायता से हल्की सी लाइन से पहले इस वाले में लगाई थी, ऐसे यहाँ से लगा लेंगे। और ये मसाला जो बनाया था इसमें, और ये ये पराठा बिल गया है, इसे तवे पे डाल देते हैं। अभी हमारा एक तरफ से सिक गया है, इसमें हम ऑयल लगा देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, हमारा पराठा फूल गया है दीदी। हमारा बेस पराठा बनके तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बटन को क्लिक करना मत भूलना। कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपने बनाई तो आपको कैसी लगी खाकर।